इसमें जो हमारा फंजाई है, फंजाई को हम नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा जो फंजाई के बाद आता है वो एल्गी आता है। क्या आता है? एल्गी। अगर एल्गी प्लांट किंगडम की बात की जाए, एल्गी डिवीजन की बात की जाए, तो वो मोस्ट एबंडेंट है। क्या है? बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इस हमारे धरती पे। लेकिन एल्गी ज्यादातर ये क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं? एल्गी हमारे क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। मींस ये वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसंट्रेट एंड वॉच मी। व्हाट आर यू सेइंग? आर यू लिसनिंग? सभी लोग हमें देखेंगे और जिस सब को कि हम क्या अपना लेक्चर दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। अभी इसको हम उससे लाइव पटन पे करेंगे, समझ में आएगा। चले तो जैसा कि हमने एल्गी की बात कर रहे हैं, तो एल्गी जो होते हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है? एक्वाटिक हैबिटेट मींस होता है जलीय, समझ रहे हैं? मतलब जो वाटर एंड प्लांट्स है, क्या है? जो जल में पाए जाते हैं, समझ रहे हैं? उसको हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। तो ज्यादातर हमारे एल्गी क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। आ रहा समझे? अब ये जो एल्गी होते हैं ये मेडिसिनल भी पर्पस से मेडिसिनल भी होते हैं। क्या होते हैं? मेडिसिनल। एल्गी से मेडिसिन भी बनाई जाती है। जितनी भी मेडिसिन आपको मार्केट में मिल रही है सब ये हर्बल से बनी हुई। किससे बनी हुई है? हर्बल से, समझ रहे हैं? जितने भी प्लांट्स इस धरती पे पाए जाते हैं या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे पाए जाए या एक्वाटिक हैबिटेट पे पाए जाए उससे मेडिसिन बनता है। और दूसरी केस अगर प्लांट किंगडम की बात की जाए तो प्लांट किंगडम से भी मेडिसिन बनाया जाता है। ये हमारा हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन है? हाईएस्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो जैसे आप पढ़ेंगे 9th 10th 11th में जाएंगे तो इसको आप समझेंगे। फिर आते हैं एल्गी के बाद हमारा जो है लाइकेन आता है। क्या आता है? अब लाइकेन क्या होता है? लाइकेन्स एक क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हमारे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे कि आपका डीएससी हो गया और भी जो अदर कॉलेजेस कराते हैं एग्जाम में एनटीएससी वगैरह, तो उसमें आते रहते हैं ये सब क्वेश्चन, समझ रहे हैं? तो लाइकेन को बताया गया लाइकेन इज द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन को गुड इंडिकेटर कहा गया है। किसको? एयर पॉल्यूशन को। इससे ये पता चलता है कि लाइकेन जिस हैबिटेट में नहीं पाया जाएगा, जिस हैबिटेट में नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा उससे? हाँ, जिस हैबिटेट में नहीं पाया जाएगा इससे पता चलेगा कि उस हैबिटेट में एयर पॉल्यूशन है। क्या है? अगर एयर पॉल्यूशन रहेगा तो लाइकेन वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। अगर लाइकेन है तो समझ लीजिए कि उस इलाके में एयर पॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे हैं? अगर लाइकेन पाया जाएगा तो एयर पॉल्यूशन नहीं है, और अगर नहीं पाया जाएगा तो एयर पॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड? फिर आगे चलते हैं। जो लाइकेन होता है इसमें दो प्लांट किंगडम क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? दोनों लोग पार्टनरशिप करते हैं। क्या करते हैं? म्यूचुअलिज्म करते हैं। क्या करते हैं? म्यूचुअलिज्म। बोलिए मेरे साथ, म्यूचुअलिज्म करते हैं। क्या करते हैं? म्यूचुअलिज्म करते हैं। तो जैसा कि म्यूचुअलिज्म को अगर हम अदर वर्ड्स में कहना चाहेंगे तो इसको पार्टनरशिप कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें हमारे एल्गी और फंजाई मिलकर साथ साथ रहते हैं। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन में फंजाई और एल्गी साथ साथ रहते हैं। अब हम लाइकेन के बाद जब चलते हैं, हाँ, तो अगर हम लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन जो होता है जैसे कि फंजाई है, फंजाई हमारा ऑटोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। क्या रखता है? जैसे कि धरती पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जितने भी ग्रीन प्लांट पाए जाते हैं, मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स जितने भी हरे भरे पौधे धरती पे पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस आर ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज फोटो फॉर लाइट एंड सिंथेसिस फॉर टू मेक और टू प्रिपेयर। आई अंडरस्टैंड? यानी कि लाइट के माध्यम से भोजन बनाना, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं हम? और ये फोटोसिंथेसिस हमारा एक
एक पिगमेंट होता है जिसको ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है क्लोरोफिल। क्या है वो क्लोरोफिल? सनलाइट को, सन रेडिएशन को ट्रैक करता है। क्या करता है वो क्लोरोफिल? क्या करता है? सनलाइट और सन रेडिएशन को ट्रैक करता है। ट्रैक मतलब कैच करता है। जैसे हमारे सोलर पैनल घर पे लगे हुए रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? सोलर पैनल। अब वो सोलर पैनल हमारे सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वो सेल हमारे सोलर सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? सोलर सेल में इतनी टेंडेंसी होती है कि वो सनलाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? ट्रैप करती है, कैच करती है। और वो सन रेडिएशन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो सन रेडिएशन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है? वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके एनर्जी में? तो जैसा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जानते हैं, जैसे सोलर पैनल हम लगा लेते हैं और उस सोलर पैनल से हम लाइट चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। आरस में लाइट नहीं रहेगी तो किससे चलेगा? सोलर पैनल से चलेगा। अगर गर्मी में बहुत तेज गर्मी हो रही है तो आप सोलर पैनल लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? उससे आपकी लाइट 24 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइकेन के बाद आता है ब्रायोफाइटा। क्या आता है? ब्रायोफाइटा को अभी हमने बताया था कि ब्रायोफाइटा इज द डिवीजन ऑफ द प्लांट। ब्रायोफाइटा इज द डिवीजन ऑफ द प्लांट एंड इज द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम एंड इज द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम जी। और हमने ये बताया था कि ये जो मतलब क्या है, ये जो हमारा ब्रायोफाइटा है ये एम्फीबियन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एम्फीबियन नेचर का होता है। उसको बनने दीजिए जितना बन पाए। इधर देखो, ब्रायोफाइटा क्या होता है? एम्फीबियन अंदर प्लांट होता है। क्या होता है? ब्रायोफाइटा प्लांट है वो लैंड पर भी पाया जाएगा और वाटर भी पाया जाएगा, इसलिए उसको एम्फीबियन अंदर प्लांट कहा गया है। और ये कंपटीशन में आएगा। अगर हम नाइन्थ का कंपटीशन एग्जाम किसी मतलब यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? अगर किसी आप यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, अगर इस यूनिवर्सिटी में महाविद्यालय में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कि हम नायक अपना हम यूनिवर्सिटी में स्टडी करें, वहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा? वो दो क्वेश्चन कौन कौन सा होगा? एक होगा लाइकेन इज द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या होगा? एयर पॉल्यूशन, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन होगा विच इज द डिवीजन ऑफ द प्लांट इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या है? ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियन। अब आते हैं ब्रायोफाइटा के बाद हम आते हैं तो ट्रेडोफाइटा आता है। क्या आता है? ट्रेडोफाइटा में टी साइलेंट होता है। क्या होता है? टी के बाद फिर ट्रेडोफाइटा लिखा रहता है। इसलिए टी साइलेंट होता है। आपको पहले बता नहीं, पी साइलेंट होता है। ट्रेडोफाइटा में क्या साइलेंट होता है? पी साइलेंट होता है। पहले पी लिखा रहेगा फिर ट्रेडोफाइटा लिखा जाएगा। पहले क्या लिखा रहेगा? पी। तो इसका ये हमें सेंस होता है कि पी साइलेंट होता है ट्रेडोफाइटा। नेक्स्ट हमारा जो मतलब डिवीजन आता है प्लांट किंगडम का, वो आता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। क्या आता है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। और उस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को हम क्या कहते हैं? उस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो कभी फूल नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट जो आपके कैंपस में लगा हुआ है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ईयर का हो जाए, समझ रहे, कितना भी इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये फ्लावर नहीं देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। क्या कहते हैं? और दूसरी खासियत इसकी, दूसरी फीचर ये होती है, द मेन सेकंड फीचर इज आता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इज, इसके जो सीड होते हैं वो ओपन सीड होते हैं। क्या होते हैं? इसमें सीड कोट नहीं पाए जाते। सीड कोट नहीं पाए जाते। देखेंगे तो मैंगो के ऊपर गुठली पाए जाते हैं। क्या पाए जाती है? उसके अंदर गुठली पाई जाती है, समझ रहे? अब बहुत लोग उस गुठली को खा जाते हैं सुखा करके। खाते कि नहीं खाते? और जैसा कि आप जो मैंगो का मतलब जो सीड है उसको अगर आप बोएंगे तो सीड कोट से बाहर सीड कोट फट जाता है। सीड की तरह, किसकी तरह? मुनियों की तरह। किसकी तरह? सीड को देखे होंगे ना आप, तालाब में जाए, स्वाम में जाए, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो सीड की तरह
बाहर निकल आता है। आ रहा समझे? तो इससे पता चलता है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट वो क्या होते हैं, वो नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और नेकेड सीड होते हैं। क्या होते हैं? मीन्स इसमें सीड को नहीं पाया जाता है। आ रहा समझे? अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो एक होता है एंजियोस्पर्म प्लांट। अब इसके बारे में समझ लीजिए, जितने भी प्लांट्स आप इस धरती पे देख रहे हो, सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट पे इस प्लांट में पाए जाने वाला प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्या है? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट हमारे इस धरती पे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आ रहा समझे? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और इसके सीड क्या होते हैं? कोटेड होते हैं। क्या है? कोटेड होते हैं, यानी कि जो इसके मतलब इसके जो ओव्यूल होते हैं, इसके जो सीड होते हैं एंडोडर्म में होती है, वो सीड कोट के अंदर होती है। ये रहा हमारा प्लांट किंगडम।